तो पराक्रम के 25 साल, आज करगिल विजय 25 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे। इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्रास दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी शिंकुलॉ टनल का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। करगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था और आज इसी विजय दिवस को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं हम द्रास, जहां पर मौजूद है हमारे साथ सहयोगी शंकर आनंद। शंकर, आज विजय के 25 साल हो रहे हैं, ये गर्व का दिन है, ये उन जो कहते हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए हमारे देश के लिए। किस तरह का प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम रहने वाला है? सबसे पहले कब वो पहुंच रहे हैं और आगे के किस तरह के कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह से विजय दिवस के अवसर पर आज हमारे ठीक पीछे वो फोर्स तोप भी है जिसकी आवाज, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक जाती थी और आज भी पाकिस्तान इस तोप की आवाज भूला नहीं होगा। और हमारे साथ में परमवीर चक्र विजेता जो हमारे साथ में हैं, यादव जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं याद करना चाहूंगा उस दिन की और निश्चित तौर पर आप तो भूल ही नहीं सकते कभी। मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगा उस दिन को जो आज से ठीक 25 साल पहले की जैसा। बिल्कुल, आज कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह आज रात मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे, पूरे राष्ट्र को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आप पहाड़ियां देख रहे हैं, ये तमाम पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू से जीत का एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था और ये तोप की आवाज आज भी पाकिस्तान के कानों में गूंजती है। हिंदुस्तान के सैनिकों के थप्पड़ आज भी उनके कानों पर इसी तरह से पड़े हुए हैं। उनकी आज निशान वो आज देख रहे होंगे, हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जश्न मना रहा है जीत का और पाकिस्तान रो रहा है अपनी हार। आज का दिन है, यहाँ ज्यादा दूर नहीं है पाकिस्तान, और आज जो है भारत का जो ये विजय दिवस जो कार्यक्रम है 25 साल पूरे हो रहे हैं, रजत जयंती मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद आज थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो किस तरह से देखा जाए कि देश के जवानों का मनोबल किस तरह से ऊपर बढ़ा है? और चाहे टाइगर हिल की बात करें या आज हर एक पहाड़ की चोटियां जो है आज उस ये दिवस को आज याद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हर एक भारतवासी के लिए गर्व के पल। तीन पहाड़ियों के ऊपर जैसे दुर्गम इलाका है जहाँ सांस नहीं आते, ऑक्सीजन की कमी है, -20 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन हिंदुस्तान की फौज ने सब परिस्थितियों के बावजूद इन पहाड़ियों पर चढ़े भी, लड़े भी, संघर्ष भी किया और उनको मार करके यहाँ से भगाया भी, मारा भी है और उनको कब्र तक पहुंचाया भी है। उस लड़ाई का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला और गर्व सबसे ज्यादा है भारत की माओं के ऊपर जिन्होंने अपने घरों से अपने। बिल्कुल शंकर, तो कहा जा सकता है कि ये गर्व का पल परमवीर चक्र विजेता यादव जी को भी है, लेकिन वो गर्व का पल हमारे भीतर भी है कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में जो हमारे वीर जवान थे उन्होंने करगिल को फतह किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।